ओके नाउ आई रीच टू द प्लेस। वो लोग आएंगे यहाँ पे और हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। एंड दिस इज माय ब्रदर शॉप्स। अभी अभी चालू किया है, 1-2 महीने, 1 जनवरी को ओपनिंग किया है। कभी इन फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा शॉप। आई वॉज जस्ट चेकिंग द वॉइस क्लियरिटी, जो अभी मैंने हेड स्ट्रैप यूज़ किया बाइक पे कैसा था। थोड़ा नॉइसी है, लेकिन अभी मेरे पास माइक भी नहीं है। मैंने एक्चुअली माइक ऑर्डर किया है जब ये सेल्फी स्टिक और जो मैंने दिखाया ना आपको, हेड स्ट्रैप ऑर्डर किया था लास्ट मेरे 1-2 पीछे वाले ब्लॉक में, तब मैंने ये ऑर्डर किया है माइक। इसका अभी तक आया नहीं है अमेजोन से। इट विल बी मिड मार्च, ये महीने में आ जाएगा 20-21 तारीख तक। तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और मेरे पास हेलमेट भी नहीं है अभी तक, सो मैं हेड स्ट्रैप से ही काम चला रहा हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा बाइक पे व्लॉगिंग कर नहीं रहा हूँ अभी तक। आई वॉज सेइंग दैट कि द प्लान इज़ हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। जो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम है विनोद, एंड ही वो दुबई से आ रहा है अभी। एक्चुअली वो उसका शिफ्ट दुबई में था 2-3 दिन पे एंकरेज पे। उसका साइन अप भी लकीली उधर से ही हो रहा है, एंड ही कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 10 मंथ। हम लोगों ने साथ में ही ज्वाइन किया था, और अभी वो एक्स्ट्रा 1 महीना 20-25 दिन उसने पहले ज्वाइन किया था मेरे से, एंड मैंने उसके बाद ज्वाइन किया था। तो अभी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे तक उसका फ्लाइट लैंड हो जाएगा, और इमिग्रेशन क्लियर करते करते 10-10:30 बज जाएंगे। हमारा प्लान था पहले सपोज टू लीव एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, बट कोई ज़रूरत नहीं है इतना सुबह एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन के लिए टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, सो ज़रूरत नहीं है। आराम से निकलेंगे 6 बजे, और मैं सोया भी नहीं रात को, अराउंड 1 बजे सोया मैं, और सुबह 5 बजे उठा है, सो ज़्यादा नींद भी नहीं हुआ। एनी वे होता रहता है। जब से घर आया हूँ अभी ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आएगा, अभी 10 दिन में 1 महीना हो जाएगा। और जब से घर आया हूँ तब से पहली बार 5 बजे उठा हूँ सुबह, नहीं तो मैं 9-10 बजे आराम से उठता हूँ। बिकॉज रात को लेट सोता हूँ, ये व्लॉगिंग एडिटिंग, कमेंट्स का रिप्लाई, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई, सो टाइम हो जाता है। एंड बाय द वे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सो मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। एंड सो आई एम ट्राइंग टू कवर इट ऑल द योर टॉपिक्स, और जो मैं जेन्यून क्वेश्चन लग रहा है उसका ही आंसर दे रहा हूँ। जो कुछ भी ऐसे ही सवाल पूछ देते भाई, शिप पे पानी आएगा तो कैसे होगा, अरे ऐसे सवाल तो मुझे हंसी आती, लेकिन क्या है उन लोगों को मालूम नहीं रहता। सो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसका मैं पहले आंसर दे रहा हूँ, और बाद में जो है वो देखेंगे। आस्क मी सम जेन्युइन क्वेश्चन, दैट मुझे भी क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड वो लोग आ गए अभी, तो हम लोग निकलेंगे। इन द मॉर्निंग, एंड हम लोग अभी ऑलमोस्ट लोनावला के आगे है। यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस विथ माई फ्रेंड्स।
समीर ये भी मर्चेंट नेवी मर्चेंट एक्स मर्चेंट नेवी का है अभिजीत स्टिल ऑन ट्रैक एंड ये है खुशाल खुशाल तापकीर की ब्रांड जब जॉब के लिए जाते हो तो आपको हर एक कंपनी के मतलब अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें सीओपी चाहिए हमें वॉचकीपिंग चाहिए फ्रेशर्स को ज़्यादा वो मतलब चांस नहीं देते ज़्यादा तो तुम ही देगी उनके खुद के बंदे पहले से ही होते हैं वहाँ पे तो वो लोग नहीं करेंगे इतना आपके लिए इतना सोचने वाला तो है नहीं कोई वैसे तो ये प्राइवेट लाइन ही है तो ये समझते लो कि फ्रेशर हो पहले तो पैसे देने पड़ते हैं ये होता है अगर कहीं से पहले से ही मतलब जब आप जा रहे हो तो डीएनएस को जाओगे तो आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी ज्यादातर एकेडमीज गारंटी भी देती है कि हाँ 70% हमारे यहाँ से प्लेसमेंट होगी ऐसा होगा नहीं जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल रहा है उन सबको जॉब देता है हाँ ऑलमोस्ट सबको ही मिलता है आपके आप कैसा परफॉर्म करते हो एग्जाम ओवरऑल उनका जो भी इंटरव्यू हो उसके बेसिस पे मिल जाएगा बस वही जीपी रेटिंग का थोड़ा जो मतलब घर के आए हो
ऑलरेडी सेल किया है, उनका कंपनी फिक्स है। अगर कहीं और नहीं हुआ तो जो पुराने फिटर रहते हैं, पुराने फिटर पंप ही रहते हैं, उन लोगों के पास इंडियन सीडीसी नहीं होता, वो जो दूसरे सीडीसी पे अच्छी कंपनी में सेल कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन अभी जो लोग एसटीसीडब्ल्यू करके भी इंडियन सीडीसी निकाल रहे हैं 700 रुपए, वो ठीक नहीं है क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा प्रेशर हो, वो एक्चुअली शॉर्टकट हो गया, बहुत सारा शॉर्टकट हो गया वो बात है। जो आप मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं भाई ये सीडीसी मिल रही है, ये हो रहा है, और वो सीडीसी का ये भी तो लफड़ा है ना, मतलब उसके एक्सपीरियंस पे अगर वॉच कीपिंग भी चाहिए तो 15 महीने एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे उसके मतलब। वेरी लेट बिकॉज ट्रैफिक बहुत मिला और वो आ गया ऑलरेडी, 2-4 कॉल हो गया उसका, बोला रुक थोड़ा ट्रैफिक में। वी आर एट गेट नंबर 3 अराइवल और अभी तक मिला नहीं, वो किधर है। और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टाइम के बाद एयरपोर्ट पे आने के बाद, जाने का मन नहीं किधर, अभी एक ही महीना हुआ है घर पे। जेल से कई दिन छुटा है, लेट्स सी वेयर इज, उसका फोन नंबर भी नहीं है, पता नहीं किधर है अभी, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, किधर ढूंढे। उसने एक्चुअली गलती किया, शिप ज्वाइन किया तो सिम कार्ड उसको लगा बंद हो जाएगा, इसके चक्कर में उसने सिम कार्ड घर पे रखा और बस व्हाट्सएप चालू था उसके मोबाइल पे। अभी वो आया इधर तो सिम कार्ड कांटेक्ट करने के लिए हो नहीं पा रहा है कांटेक्ट, उसने एक फ़ोन से कॉल किया था, उसको कॉल रिटर्न किया तो वो दूसरे नंबर पे जा रहा है, वो चला गया उधर से। वेयर इज ही नाउ, ये देखो जेल से कई थे छूटे जेल से, बाप रे। तेरे को कोई सलून वाला मिला नहीं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, सलून वाला मिल के भी बाल नहीं काटा भाई। फिर क्या? You just want to take interview of me, my friend. Yeah, yes, yes. This is why we just are. Don't ask me how was the ship. How was the ship? And how was the ship? How was the experience? Boss? Experience was very bad. See, I was 76, now just 65. So you can understand 70? How much change. 76. Now only 65. Yeah. That's a change. That's a pessimistic. Life of seaman, man. Life of seaman. कार पर लेकर नहीं भाई, क्या हो गया ये? जेल जेल से कहीं नहीं जाता है। चलो सही हो, थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। We reached to our car. अभी मैं GoPro का बैटरी चेंज करता हूँ बिकॉज GoPro का क्लियरिटी इससे अच्छा है। दो जन को पिकअप करने के लिए 4 जन आए हम लोग, तो अभी बहुत गाड़ी में ट्रैफिक होने वाला है, रश हो जाने और उसमें हम लोग फंसेंगे, इसलिए हम लोग ऑलरेडी आगे बैठ जाएंगे अभी। चलो मैं भी पीछे जाना पड़ेगा अभी, वो डिपेंड करता है टाइम पे। चलो
एंड नाउ वी आर रेडी टू लिव गाइस. हो गया सब अच्छा हुआ हम लोग दोनों आगे बैठ गए भाई. ये सांडवा गए हम लोग हां चलो पुट गए भाई चलो ना रमेश यादव एक नहीं रे 50 रुपए कैशबैक है. Guys, now we reach to Copolit petrol pump. थोड़ा वॉशरूम वगैरह थोड़ा ब्रेक लेते हैं सोचा और बहुत ही मजा करके जा रहे हैं हम लोग घर पे. बहुत दिन के अभी कितने 10 महीने के बाद आया है तो थोड़ा एंजॉयमेंट चल रहा है. गाड़ी में थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड है, 4 जन बैठ नहीं पा रहे तो एडजस्ट करके जाना पड़ेगा अभी. नाउ वी रीच टू द होटल, होटल भोलेनाथ गार्डन ढाबा. बहुत जोर से भूख लगी है, सुबह से बस 1 वड़ा पाव 2 वड़ा पाव का है. Finally, we are done with our lunch. And अभी पंखा क्या हुआ इधर, जो बिल हम लोग भरते हैं, जो बिल का रिसिट दिया वो तो ओरिजिनल नहीं था लेकिन उस पर फिर भी GST लगा रहा था क्योंकि हम लोग कार्ड पेमेंट कर रहे थे. लेकिन फ़ायदा क्या है ना, हम लोग को बिल डुप्लीकेट रिसिप्ट दे रहे हैं. तो अभी भाई पंखा चल रहा था तो उसको बोला भाई ओरिजिनल रिसिप्ट दे दे, हम लोग GST दे देंगे. एनीवे ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आप किधर भी बिल पे करते हो तो देखो, आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो ओरिजिनल रिसिप्ट है क्या देखो, और जब आप ऐसी डुप्लीकेट रिसिप्ट दे रहे तो GST भरना है जरूरी नहीं है. वन ऑफ सी मैन अभी जा रहा है घर पे, फाइनली ही रीच हिज होम. गेट टुगेदर, चलो बाय बाय, एंजॉय हॉलीडेज. अभी बस हम लोग पहुंचने वाले विनोद भाई के घर. गाइस ड्राइविंग कर रहे हैं. हेलो हेलो हेलो, जल्दी आ गए हम लोग. अरे जल्दी कहा, 3:30 बज गए ना, अब सुन नहीं बोले जल्दी किधर, 10 बजे तू पहुंचा है वहां पे. हम लोग तो टाइम पे आ गए थे, तू ही लेट हो गया. सामने से कहीं तो घुस गए उनको भी नहीं मालूम, बाल बालों की वजह से बंदा मतलब एकदम रॉकस्टार बाले बाल हो गए, बाले बाल है ना. तो फिलीपींस में सब लोग बोलता था तुम ड्रमर बजाता है क्या, एकदम आर्टिस्ट वाला लुक बनाया ऐसा वैसा. इसलिए अभी दुबई में फोटो डाला है, बोलता था गिटार ले ले, गिटार के ऊपर फोटो खींच. हाँ इसलिए ड्रम ही ले लिया, ड्रम से ड्रम ले लिया. अभी भाई थोड़ा फ्रेश होगा और जो भी उसका इंटरव्यू होगा तो बाद में होगा, थोड़ा फ्रेश होएगा. नहीं वो फ्रेश होना, वो फ्रेश होना अलग होता है. जॉर्डन सर्विस बहुत कर रहे हैं, जॉर्डन जो इसका डॉगी है जॉर्डन, मोबाइल तो बहुत मिस कर रहा है इसको. अभी देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है. गया तो छोटा बच्चा, रिएक्शन नहीं दिया तो समझ गए इसको मिस रहा है. हां ये तो कंफर्म है, मैं तो आज शाम को उसको देख के आऊंगा. नहीं नहीं वो तो बहुत मिस कर रहा होगा. नहीं 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 मैं बोल रहा हूं आज उनको. अरे लेकिन गया तो बहुत छोटा बच्चा था वो डॉगी. हां अभी तो बहुत बड़ा हो गया, अभी मेरा बाप बन गए हो. हां बाप बन गए हो, उनके बाल भी बहुत बढ़ गए तो पहचान गए नहीं पहचान गए इनका तो बहुत. तेरे बालों की वजह से शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा, यही क्या वो थोड़ा गया था. ये पुढे जा ये तो मालस काय माहिती नाही, मी चालू आहे किती वर्ष लगभग एक, मैं भी 1.5 साल के बाद आया हूँ यहाँ तो बहुत चेंज हो गया. उसके फैमिली वाले सब इंतजार कर रहे हैं, वेरी हैप्पी डॉगी. Thank you.
वन मोर फ्रेंड आकाश हाय हैप्पी होली विनय समझन फॉरेनर प्लान है क्या अरे डॉगी सोडलंच नाही त्याला खाली पप्पा त्याला शेट खोलो इसको भेज दो ये कंफ्यूज होगा ये कंफ्यूज होगा ये तिकडे जा चढण त्याला ओळखलं त्यांनी तो म्हणते खूप चाललाय तो बघ दादा आलाय म्हणून तशी दस महीने के बाद कुत्ता भी भूल गया लोग That's very insulting for me. I don't have any single word for what to say. He was just adorable when he was This is what life only life of seaman. Happy birthday to you. 5 मई को बर्थडे इसका. Happy coming home day. केक मेड बाय हर सिस्टर नाइस केक So buddy goodbye So now we are leaving kai ke lete Jordan hey Jordan pure maar ke maar chalo maar se samjhta goodbye Vinod goodbye kai joining great vacation hum log abhi saath mein hi hain from here